खुद ही बुद्धू बन रही है ना का वो, ये रो रही है। ये देखिए इसमें भी दिख रही है। तो कोई बात नहीं, पापा ने तो आपके साथ मजाक करा पगलू। होटल जा रही थी, मैंने कहा तू होटल जाके हमको चिढ़ाएगी, इसलिए हम यहाँ खिलानी, ठीक है, हम यहाँ बनाएंगे बर्थडे। तुमने हमको अकेले खाने नहीं दिया, ऐसे कैसे हो जाएगा। हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग, आई होप सब ठीक होंगे। सभी लोगों को मेरा प्यार और प्रणाम, पहला नमस्कार और छोटू को ढेर सारा प्यार। मैं कब्बू अधिकारी आप सभी लोगों का अपने चैनल कब्बू पहाड़ी ब्लॉग पर स्वागत करती हूँ। सो गाइस, ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ शाम के 5 बजे से। चश्मा पहन कर रेडी हो रखा है और हम सभी लोग रेडी हो रखे हैं, मैं भी रेडी हो रखी हूँ और मेरे बच्चे भी रेडी हो रहे हैं। यहाँ पर है मेरी दीक्षा, ये भी अभी सो के उठी हूँ। हाँ बेटा, हाँ ये है मेरा डॉन। सो गाइस, आज मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि बीच में मेरी तबीयत थोड़ी सी वीक हो गई थी। तबीयत तो क्या खैर, मेरे हाथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, अभी भी है घाव, तो अच्छे से ठीक नहीं हो रखा है। इसमें मेरा ना वो बन गया था, एक गांठ जैसी बन गई थी, तो उसका ऑपरेशन किया, तो हो गए 15-20 दिन हो गए लगभग। उससे भी पहले मैंने काफ़ी टाइम से ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बीच में ऐसे ही नहीं बनाया क्योंकि एग्ज़ाम, कभी एग्ज़ाम चले थे, कभी कुछ ऐसी, फिर मैं बिजी रहेगी, तो मैंने ब्लॉग बनाना बंद ही कर दिया था। आज मैंने सोचा क्योंकि आज कुछ स्पेशल डे है, मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग भी, एक ब्लॉग भी शूट कर लूँ, उसमें अपनी मेमोरी कब्चे रहती है। और आज है वो स्पेशल डे, मेरे छुटकू का बर्थडे। ये है मेरा डुग्गू, आज इसका बर्थडे, आज इसका फोर्थ बर्थडे है। हाँ, आज ये 4 ईयर कंप्लीट कर चुका है दिव्यांश। दिव्यांश का है हैप्पी बर्थडे। अरे दीक्षा ने तो मेरा चश्मा पहन लिया। सो गाइज, आज है दिव्यांश का 4th बर्थडे सेलिब्रेशन, और जो हमारे घर पे नहीं होने वाला है। हाँ मामा, तो मैं अभी ना काम नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से क्योंकि मेरे हाथ में भी दिक्कत है ही। वैसे तो काम थोड़ा बहुत तो कर ले रही हूँ घर का, जैसे बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये सब अभी नहीं कर पा रही हूँ। जैसे रोटी बनाना, ये सब काम अभी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ऐसे थोड़ी ताकत लगा रही, तो दर्द हो जा रही इसमें। तो इसलिए सोचा था कि हम ही लोग मतलब केक काट लेंगे। फिर इसकी बुआ कह रही है कि अकेले तुम मेरे भाई का बर्थडे बनाओगे, इससे अच्छा तुम आ जाओ हमारे घर पे। हमारी इसकी बुआ बुला रही है, यहीं पास में रहती हैं, तो मैंने कहा कि उनसे यहाँ आ जाओ, बट उनकी भी कुछ प्रॉब्लम है, वो नहीं आ पा रही हैं। वो कह रही इससे अच्छा तुम ही लोग आ जाओ, यहीं सेलिब्रेशन करते हैं। और यहाँ से फिर ये है मेरी दुग्गू, ये मेरा चश्मा पहना है। तो हम आज वहीं जा रहे हैं, फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलो दीदी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही है तो वहीं चले जाते हैं। वहीं मेरी जिठानी लोग भी आ रहे हैं, सभी लोग वहीं हम इकट्ठे होंगे और वहीं केक कटिंग करेंगे। तो अभी तैयार हो रखे हैं, मेरे हस्बैंड आने वाले हैं हमें लेने, हमें छोड़ देंगे उधर दीदी लोगों के घर पर, और वहीं जाके आप लोगों से मिलती हूँ मैं। और पूरा ब्लॉग देखना, बर्थडे आप लोग भी इंजॉय करना, बहुत दिनों के बाद मेरा ब्लॉग आपको आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। चलो बच्चा, ये मेरा डॉन, चश्मा यहीं रख रहे हो, ले जा रहे हो चश्मा, ले जा रहे हो, यहीं रख रहे हो, ले जा रहे हो, ले जा रहे हो। चलो सो गाइस, मिलते हैं आपको दीदी लोगों के घर में पहुंच के। खुद ही बुद्धू बन रही है ना का वो, फिर रो रही है। ये देखिए इसमें भी दिख रही है। कोई बात नहीं, पापा ने तो आपके साथ मजाक करा, दीक्षा के लिए प्रैंक कर दिया। दिव्यांश सुना, दीक्षा क्या बोला पापा ने, दीक्षा मेरे साथ भी कितनी बार प्रैंक हो चुका है। आशु को उल्लू बना दिया, आपने तो सही बोला, पर दीक्षा पहले तो आशु भी सही जगह गई थी, उसके बाद फिर आपने तो बोला, कोई बात नहीं तो बोला, झूठ पापा ने ही बोला ना, प्रैंक कर दिया पापा ने आपके ऊपर, कोई बात नहीं, रोती नहीं है अच्छे में। सो गाइस, हम तो पहुंचने वाले हैं। झूठ बन गई नहीं मामा, मूर्ख बन गई, मूर्ख बन गई वाली गाड़ी वाली, मूर्ख बन गई। आज तो हम कहाँ पहुंचने वाले हैं, वो आके गए।
अच्छा बताया तेरे को, रास्ता बताओ ना पापा को। हाँ रास्ते से काली क्यों लग रही है तू? काली आजकल कमजोर होगी काव्या। सो गाइज हम पहुंच चुके दीदी लोगों के घर पे और अभी गए हम छत पे। दीदी लोगों ने छत डलवा रखी है, पहले इस टाइप की छत थी, अब पूरी छत बहुत ही अच्छी लग रही है। यहाँ का व्यू इतना अच्छा, और मेरी जिठानी भी पहुंच चुकी हैं, बच्चे एक दो बच्चे आ गए और एक दो बच्चे और आने हैं। ये दोनों गप्पे मार रहे हैं। हेलो हेलो आज हम मट्टू कॉलेज में आए हैं, सब लोग हमारे घर में ऊपर छत देखने आए हैं, छत देख रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमको, एंजॉय कर रहे हैं। हमारे छोटे का वो है हैप्पी बर्थडे, आज हम बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। हम तो अकेले करने वाले थे, इनने हमें खाने नहीं दिया। होटल जा रही थी, मैंने कहा तू होटल जाके हमको चुड़ाएगी, इसलिए हमें यहाँ खिलानी है, क्योंकि हम यहाँ बनाएंगे बर्थडे। इनने हमको अकेले खाने नहीं दिया, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो हम फिर यहीं आ गए, और यहाँ का भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज पहली बार आ रखी मैं तो छत में, और पूरी पूरा व्यू दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो गाइस यहाँ पे बन रहा खाना, और मैं तो मजे से देख रही हूँ इनको कैसे बन रहा है। एक सब्जी जनेऊ में भी देखा हुआ, मैं ही बना रही थी खाना, बहुत टेस्टी बना था। एक सब्जी दीदी ने बनाई, बड़ी दीदी छोटी दीदी मैं बहुत परेशान करती हूँ, मैं इरिटेट हो गई हूँ। बताओ पहले खाना बनाओ। और दीदी आटा गूंदने लग गई, मैं किसी काम की नहीं रही। मैं भी खिलाऊंगी तुमको। मैं खिलाऊंगी। हाँ बच्चे देख रहे हैं, यहाँ फोन टीवी लगे हैं। Discover more ways to stay in your zone.
with Spotify Premium. Tap the banner to learn. इधर सब खिला रहे मेरी खींची मेरी भी नहीं खींची अरे आपकी खींची है करा ये मत दो उसी में कर ले पेगी